नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन वर्मा। दोस्तों, आज हम लोग सीटेट के इस क्लास में हिंदी पेडागोजी पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर मैं हिंदी पेडागोजी के सभी चैप्टर से, सभी यूनिट्स से 20 सेलेक्टेड क्वेश्चंस चुना हूँ। यानी ये प्रश्न ऐसे हैं जिसके द्वारा आप 1 से 10 प्रश्नों, इस प्रश्न को समझ जाएंगे तो आप 10 प्रश्न का हल कर सकते हैं। ऐसे ऐसे प्रश्नों को मैं चुना हूँ। यहाँ पर ये 20 सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, यानी 20 को मल्टीप्लाई 10 से कर दीजिए, ये 200 क्वेश्चन का आपका काम करेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और यह बहुत ही शानदार वीडियो होगा आपका सीटेट क्लास के लिए, या यदि आप कोई भी स्टेट का टेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। चलिए पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है। दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर हम बच्चों को भाषा क्यों सिखाते हैं, भाषा सिखाने का क्या तात्पर्य है, यहाँ पर आपको बताना है। भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, भाषा का व्याकरण सिखाना, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना, भाषा का प्रयोग सिखाना। दोस्तों, हम यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाते हैं, क्यों? क्योंकि बच्चों को भाषा का प्रयोग करना सिखाना होता है। विविध परिस्थिति, विविध लोगों के बीच विविध स्थिति, यानी अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से अपने मन की बातों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए वह जो भाषा का प्रयोग करेगा, हम उसे उस भाषा का प्रयोग करने के लिए सिखाते हैं। चाहे वह दो व्यक्तियों के बीच में बातचीत हो रही हो, कहीं समूह के बीच में बात हो रही हो, क्यों नहीं वह अपने से बड़े व्यक्तित्व वाले व्यक्ति या अपने से उच्च अधिकारी, उच्च पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति के साथ बातचीत कर रहे हो, या अपने से छोटों के बीच बात कर रहे हो, जहाँ भी कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी स्थिति हो, वहाँ पर बातचीत कर सके, भाषा का सही तरीके से प्रयोग कर सके, यह सिखाना प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का तात्पर्य है। तो ये राइट आंसर आपका चौथा होगा। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है, भाषा अर्जन भाषा सीखने का एक उद्देश्य होता है। समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। दोस्तों, यहाँ भाषा अर्जन है, मतलब बच्चे भाषा को कैसे सीखते हैं, बच्चे भाषा को कैसे सीखते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों, समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होता है। दोस्तों, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, भारत एक विभिन्न यानी विविधताओं का देश है। यहाँ बहुत सारे क्षेत्र में अलग अलग भाषा का प्रयोग किया जाता है। आप देखेंगे हिंदी जहाँ पर बोला जाता है, वहाँ के बच्चे स्वाभाविक तरीके से हिंदी को सीख जाता है। अपने परिवार समाज के साथ में रह करके हिंदी बोलते हुए सुन करके समझ करके वे बच्चे हिंदी सीख जाते हैं। क्या विद्यालय जाने के पहले जहाँ विद्यालय में उसे पढ़ाया जाएगा, उसके पहले बच्चे भाषा सीखते या नहीं, एक दूसरे से बातचीत कर पाते या नहीं, ये स्वाभाविक है। जिस परिवार जिस संस्कृति में रहता है बच्चा, वहाँ का परिवेश को, समाज को, संस्कृति को और भाषा को स्वतः सीख जाता है। आप चले जाइए असम तरफ, वहाँ की भाषा थोड़ा अलग है, असमी लोग ज़्यादा बोलते हैं। अब वहाँ के बच्चे जो होते हैं, खुद ब खुद वहाँ का जो संस्कृति है, वहाँ का जो रहन सहन है, वहाँ का जो भाषा है,
स्वाभाविक तरीके से समझ जाता है। उसके लिए अलग से कोई कोचिंग या कोई शिक्षक उन्हें बोलने के लिए नहीं सिखाता है कि तुम इसको सीखो। इसी तरह से आप एक अलग क्षेत्र आप चले जाएं, मुंबई वगैरह, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में मराठी भाषा ज़्यादा बोला जाता है, वहाँ के बच्चे भी स्वाभाविक तरीके से वहाँ के रहन सहन सभी चीज़ों को सीख जाता है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं दोस्तों कि समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होता है। भाषा शिक्षण का उद्देश्य है दोस्तों, भाषा शिक्षण का बहुत सारा उद्देश्य है। इसमें से यहाँ कुछ उद्देश्य दिए हुए जिसमें कौन सा सही है। भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या हो सकता है? वक्ता के विचारों को समझ पाने की योग्यता का विकास, केवल पठन कौशल का विकास, पाठ्य पुस्तकों से इतर पुस्तकों को पढ़ने की क्षमता का विकास। यहाँ भाषा शिक्षण का उद्देश्य है दोस्तों। भाषा शिक्षण का बहुत सारा उद्देश्य मैं यहाँ पर चर्चा वो करूँगा, लेकिन यहाँ पर जो हैं उनसे मैं बात करूँ कि वक्ता के विचारों को समझ पाने की योग्यता का विकास। जैसे मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ और आप उसे समझ पा रहे हैं, यदि मेरी बातों को आप समझ पा रहे हैं, यह एक भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। यानी जो बोलता है, बोलने वाले की विचारों को समझने की योग्यता विकसित करना भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है, ये राइट आंसर होगा। केवल पठन कौशल का विकास ये गलत है। हम केवल पठन कौशल नहीं करते हैं भाषा शिक्षण में। जो भाषा शिक्षण के चार कौशल होता है, इन चारों कौशलों का विकास करना होता है, केवल पठन कौशल नहीं। इसलिए गलत बात है। पाठ्य पुस्तकों से इतर पुस्तकों को पढ़ने की क्षमता का विकास, हम लोग केवल पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने की क्षमता का विकास नहीं करते हैं। पाठ्य पुस्तकों के अलावे समाचार पत्र हो या कोई भी लिखित सामग्री हो, कहानी का किताब हो, उपन्यास हो, कुछ भी हो, उन्हें भी पढ़ने की क्षमता का विकास करने के लिए बच्चों को हम लोग भाषा शिक्षण करवाते हैं। इसलिए यहाँ पर पहला और तीसरा ये दोनों राइट आंसर हैं, तो इस तरह से आपका चौथा होगा। अब यहाँ पर भाषा शिक्षण के अन्य उद्देश्य को हम लोग समझते हैं। दूसरा अन्य उद्देश्य हो सकता है दोस्तों, यहाँ पर दो उद्देश्य तो देख लिए, तीसरा उद्देश्य होगा समझ के साथ पठन की योग्यता का विकास। समझ के साथ पठन योग्यता का विकास, योग्यता का विकास करना। दोस्तों हम बच्चे देखिए अक्षरों को जोड़ जोड़ करके पढ़ लेता है, लेकिन इसका अर्थ क्या होगा ये बच्चे नहीं समझेंगे तो ये भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होगा। भाषा शिक्षण का उद्देश्य है कि जो कुछ पढ़ने के बाद उसको समझ सके, वहाँ पर कौन सा विचार छिपा हुआ है इस विचार को समझ सके, ऐसी योग्यता का विकास करना भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। चौथा उद्देश्य है दोस्तों सहज अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना। अभिव्यक्ति मतलब बातचीत करना, बोलना। दोस्तों कहीं भी हो, कोई भी स्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो, हर जगह अपनी विचारों को दूसरे तक पहुंचा सकें, सहज रूप से बातचीत कर सकें, मतलब यहाँ पर बातचीत से अपने विचारों को। जैसे देखिए आप देखेंगे क्या कि कोई बच्चा है जो घर पर खूब बोलता है, अपना जो क्लोज दोस्त है एक दो दोस्त जो उनका सबसे क्लोज है उसके साथ बहुत बातचीत करता है, लेकिन जैसे ही कक्षा में शिक्षक के द्वारा कुछ पूछा जाता है वहाँ पर वह हकलाने लगता है। आनी अर्थात वह हुआ क्या कि वह बड़े समूह में बातचीत नहीं कर पाता है, बड़े समूह में बात करने का, अपने विचारों को प्रकट करने का उन्हें अभ्यस्त नहीं है, योग्यता नहीं है। तो यहाँ पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है कि विभिन्न स्थितियों में, विभिन्न परिस्थितियों में, चाहे कोई भी स्थिति हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, वहाँ पर अपनी बातचीत को सहज ढंग से कर सके, अपनी अभिव्यक्ति को कर सके, ये भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है। सुसंगत लेखन भाषा शिक्षण का पांचवा आपका उद्देश्य होगा।
सुसंगत लेखन मतलब होता है कि जो विषय जिस विषय को हम बोला जाए उस विषय के अनुसार हम अपने विचारों को अच्छे ढंग से लिख सकें। देखिए, हम लिखना एक अलग बात है और आप देखेंगे कुछ ऐसे चीज़ें जहां पर आप देखेंगे कि पढ़ने शुरू करेंगे तो आपको छोड़ने का मन नहीं करेगा, और एक ऐसा लिखा हुआ रहेगा जो एक लाइन दो लाइन पढ़ेंगे और लगभग ये बहुत फालतू किताब है या बहुत फालतू चीज़ लिखा हुआ है। तो यदि कोई अपना विचार को अच्छे ढंग से लिखा है तो उसे पढ़ने में मज़ा आता है, तो ये सुसंगत लेखन हुआ। तो बच्चों को हम सुसंगत लेखन कर सकें ऐसा योग्यता विकास करने के लिए हम लोग भाषा शिक्षण करवाते हैं। छठा होगा दोस्तों, बच्चों को विभिन्न भाषा विभिन्न विषय पढ़ने के होते हैं, जैसे हिंदी तो आपका भाषा शिक्षण में आ गया, विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, गणित हो गया, इन सभी के भाषा को समझना, इन सभी के भाषा को समझने के लिए हम लोग भाषा शिक्षण करते हैं। तो दोस्तों ये सभी भाषा शिक्षण के उद्देश्य थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का सर्वश्रेष्ठ विधि है। आप प्राथमिक स्तर के एक शिक्षक हैं, आप बच्चों को भाषा सिखाना चाहते हैं, इसके लिए सबसे अच्छा विधि कौन सा होगा? बच्चों को भाषा सिखाने के लिए सबसे अच्छा विधि क्या होगा? बच्चों के साथ कविता गाना, बच्चों को कहानी सुनाना, बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, बच्चों को भाषा का प्रयोग करने की विविध अवसर देना। दोस्तों यदि आप बच्चों को भाषा सिखाना चाहते हैं यानी भाषा शिक्षण करना चाहते हैं तो आपको विविध अवसर देने पड़ेंगे। विविध अवसर इस तरह का अवसर दें जहां पर अधिक से अधिक भाषा का प्रयोग हो सकेगा। इस पर आधारित दोस्तों अलग अलग ढंग से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इसको समझ लेना है कि भाषा शिक्षण का सर्वश्रेष्ठ विधि या भाषा सिखाने का सर्वश्रेष्ठ विधि आपका भाषा प्रयोग का विविध अवसर या भाषा प्रयोग का अधिकतम अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। जब आप अधिकतम अवसर उपलब्ध कराएंगे बच्चों को, वह सर्वश्रेष्ठ विधि होगा भाषा सिखाने का। इसलिए ये राइट आंसर आपका चौथा होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो सरल भाषा वाले हों, बच्चों के स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, केवल पाठ से ही संबंधित हों, पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हों। यहाँ पर दोस्तों आपको पठन पाठन के अंत में आप देखते होंगे कि हम लोग कोई भी पाठ पढ़ाते हैं, उस पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधि दिया हुआ रहता है। बहुत सारे अभ्यास और गतिविधि, अभ्यास के लिए प्रश्न और कुछ गतिविधि दिए हुए रहते हैं, ये करने के लिए होता है। तो ये क्यों दिया हुआ रहता है, इसका क्या कारण है? यहाँ पर दोस्तों बच्चों को भाषा सीखने के विभिन्न अवसर उपलब्ध कराने के लिए, विभिन्न प्रकार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए पठन पाठन के अंत में अभ्यास और गतिविधियाँ दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पर बच्चे स्वयं कुछ करें, जब बच्चे स्वयं कुछ करेंगे तो उन्हें कुछ अवसर मिल गया, यहाँ पर सीखने का अवसर प्रदान करना है। और स्वयं करके सीखने का अवसर प्रदान करने के लिए पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियाँ दी हुई रहती है, इसलिए ये आपका राइट आंसर दूसरा होगा। सातवां प्रश्न है दोस्तों, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? भाषा सीखने की कौन सी विधि, भाषा सीखने की बहुत सारी विधि है, जो मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में, दूसरा भाषा सीखना है, मातृभाषा को छोड़ दूसरी भाषा को सीखना है, इसके लिए कौन सी विधि सर्वोत्तम है? अनुवाद विधि, द्विभाषी विधि, अप्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि। दोस्तों जब मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनाना है तो ऐसी विधि में, ऐसे में आपको प्रत्यक्ष विधि अपनाना है। देखिए इसका उदाहरण हम दे देते हैं। मान लीजिए आप कोई हिंदी भाषी हैं, आपका मातृभाषा हिंदी है, आप कहीं दूसरे जगह चले गए काम करने के लिए,
जहाँ पर कुछ लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन अधिकांशतः लोग वहाँ का जो क्षेत्रीय भाषा है उसको बोल रहा है। तो क्या होगा, आप वहाँ प्रत्यक्ष इन लोगों से मिल रहे हैं, तो धीरे धीरे इनकी क्षेत्रीय भाषा आप सीख जाएंगे वहाँ प्रत्यक्ष रूप से सुनने समझने के कारण। तो यह प्रत्यक्ष विधि सबसे अच्छा विधि है, जब मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखना हो। तो आठवां प्रश्न है, जो बच्चे सुन नहीं सकते वह शीघ्र भाषा सीख जाते हैं, उन्हें भाषा सीखने में समय लगता है, वह भाषा सीख नहीं सकते वह भाषा का प्रयोग लिखित रूप में कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर चौथा होगा, यानी वह भाषा का प्रयोग लिखित रूप में कर सकते हैं। नौवां प्रश्न है, दैनिक कार्यों में मनुष्य किन दो कौशलों का सर्वाधिक प्रयोग करता है? आप खुद अनुमान लगाइए कि सुबह से शाम तक सबसे अधिक कौन सा कौशल का उपयोग आप करते हैं। भाषा का कौशल हो गया सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो प्रायः सबसे अधिक लोग किसका उपयोग करते हैं, सुनना और बोलना का। कहीं भी हो सबसे ज़्यादा सुनना और बोलना कौशल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा सुनना और बोलना, श्रवण और वाचन कौशल, श्रवण और वाचन कौशल, यह आपका सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला कौशल है दिन भर में दैनिक कार्यों में। तो ये राइट आंसर होगा आपका। दसवां प्रश्न है दोस्तों, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, यानी किसी भी भाषा को जानने के लिए। अधिकार प्राप्त करना मतलब जानना, सुनना, समझना, बोलना, यानी जो पठन चार कौशल होता है, उन चारों कौशलों को जानने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ हो सकता है। शब्दों के अर्थ जानना, उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना, उस भाषा का व्याकरण जानना। दोस्तों हमने इसके पहले भी बताया कि यदि किसी भी भाषा में आप कमांड होना चाहते हैं, उस भाषा के बारे में सभी कौशलों को जानना चाहते हैं, इसके लिए उस भाषा का प्रयोग अधिकतम करना होगा। जिस भाषा को आप जानना चाहते हैं उस भाषा का प्रयोग करने का अधिकतम अवसर ढूंढना पड़ेगा, तो आप उस भाषा पर अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपका राइट आंसर होगा। निगमन विधि है, नियम बताकर उदाहरण देना, उदाहरण देकर नियम समझाना, भाषा का अनुकरण करने की विधि, बिना उदाहरण दिए भाषा सिखाना। दोस्तों आगमन विधि और निगमन विधि, आगमन विधि, देखिए मैंने हमेशा बोला हूं दोस्तों कि निगमन, देखिए नी पहले आ रहा है ना, तो नियम इसमें पहले आएगा। निगमन विधि नियम बताकर उदाहरण देना, निगमन विधि नी पहले आता है ना, तो इसमें नी पहले भी आना चाहिए, यानी नियम पहले बाद में उदाहरण, और आगमन विधि में उदाहरण पहले, जस्ट इसका उल्टा, उदाहरण पहले बाद में नियम, ठीक है। तो ये राइट आंसर आपका होगा। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता, जस्ट इसका उल्टा आ गया ना अभी, निगमन का आगमन, आगमन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या होगा, आगमन विधि में सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत करता है, उदाहरण सबसे पहले देंगे, इसके बाद इस उदाहरण से नियम को बनाया जाता है। तेरहवां प्रश्न है, बहु सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए। बहु सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, यानी वहाँ पर अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले बच्चे आए हों, वहाँ पर वैसी कक्षा में इस बच्चा का संस्कृति अलग है, इस बच्चे का संस्कृति अलग है, इस बच्चे का संस्कृति अलग है, इसी तरह से और जो बच्चे हैं उनकी संस्कृति अलग, बहु संस्कृति वाले बच्चे आपके यहाँ आपके कक्षा में आता है, तो ऐसी स्थिति में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए।
मौखिक कौशलों पर बल देना चाहिए, अभिव्यक्तात्मक कौशल पर ही बल देना चाहिए, परस्पर बातचीत करने के अधिकाधिक अवसर देने चाहिए, बच्चों को मानक भाषा प्रयोग के लिए कहना चाहिए। दोस्तों देखिए, यहाँ पर संस्कृति का आदान प्रदान हो, संस्कृति का आदान प्रदान होने के लिए परस्पर बातचीत करने का अवसर देना चाहिए। अधिक से अधिक बच्चे एक दूसरे को जान समझ सके, संस्कृति का आदान प्रदान हो, इसके लिए जब हम उसे बातचीत करने का अधिक से अधिक अवसर देंगे तभी संस्कृति का आदान प्रदान होगा। तो हम बच्चों को परस्पर बातचीत करने के अधिकतम अवसर देंगे। आपका राइट आंसर 3 होगा। 14वां प्रश्न है, बहुभाषिक कक्षा के संदर्भ में आप इनमें से किस गतिविधि को सर्वाधिक उचित समझते हैं? यहाँ पर बहुभाषिक कक्षा है, इसके संबंध में आपको कौन सा गतिविधि अच्छा लगता है? स्वतंत्र शब्द को 10 बार लिखिए, सूर्यास्त हो गया वाक्य को 10 बार लिखिए, हिंदी पाठ में आए चिड़िया, पुस्तक, कुआं को आपकी भाषा में क्या कहते हैं बताइए, लठ खट शब्दों के हिंदी रूप कंठस्थ कीजिए। समझिए, यहाँ पर बहुभाषिक यानी अलग अलग बच्चा अलग अलग भाषा बोलता है। ये बच्चा अलग भाषा बोल रहा है, यह बच्चा उसकी मातृभाषा अलग है, यह उसके घर परिवार का भाषा अलग है, इसका भी घर का परिवार का भाषा अलग है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, हिंदी पाठ में जो चीज़ आया, जैसे चिड़िया मान लीजिए आया था, पुस्तक आया, कुआं आया, इन लोगों को कहेंगे कि चिड़िया को आप अपनी भाषा में क्या बोलती हो, चिड़िया को अपनी भाषा में क्या बोला जाता है तुम बताओ, पुस्तक को आपकी भाषा में क्या बोला जाता है तुम बताओ, कुआं को आपकी भाषा में क्या बोला जाता है तुम यानी आपकी भाषा में क्या कहते हैं बताइए। ये हम लोग बहुभाषिक कक्षा में ये चर्चा कर सकते हैं जो सर्वाधिक उचित है। ये आपका राइट आंसर होगा। 15वां प्रश्न है, दोस्तों एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है, भाषा शिक्षक को सबसे बड़ा क्या चुनौती होता है? भाषिक कक्षा के शिक्षा के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना, बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, भाषा संसाधनों का अभाव। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती है कि बहुभाषिक कक्षा में जो शिक्षा के लिए यानी शिक्षण के लिए क्या कौन सा विधि, किस तरह का रणनीति, किस तरह हम बच्चों को पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं, यह समझना तय करना शिक्षकों के लिए एक चुनौती है। क्योंकि यहाँ पर शिक्षक को सभी बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है, इसलिए यहाँ पर बहुभाषिक कक्षा में सभी बच्चे आसानी से समझ सके, इसके लिए कौन सा विधि अच्छा रहेगा, पढ़ाने के लिए सबसे विधि अच्छा विधि कौन सा रहेगा, कौन सा गतिविधि अच्छा रहेगा, क्या हम पढ़ावें, किस तरीके से पढ़ावें, यह सब तय करना या रणनीति बनाना एक बहुत बड़ी समस्या होती है, एक बड़ी चुनौती होती है। बहुभाषिक कक्षा से तात्पर्य है, बहुभाषिक कक्षा जिस कक्षा में कम 2 भाषाओं में पाठ पुस्तक उपलब्ध हों, मान लीजिए आप अपनी कक्षा का ये देखिए, प्रायः लोगों का जो हिंदी भाषी है वहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी का पाठ पुस्तक रहता ही रहता है, क्या इसको आप बहुभाषिक कक्षा कहेंगे? नहीं कहेंगे इसको, ये बहुभाषिक कक्षा नहीं है। जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता है, अलग अलग बच्चा है, इनके घर का भाषा अलग है, इनके घर का भाषा अलग है, इन भाषाओं को बोलने का अवसर, इस भाषा के यानी इन बच्चों को अपनी मातृभाषा में बातचीत करने का अवसर हम बच्चों को दे रहे हैं, उन्हें रोकते नहीं हैं, टोकते नहीं हैं, उन्हें हम यह नहीं कहते कि यह भाषा गलत है, इसका भाषा इस तरह का प्रयोग मत करो, अपनी भाषा में बातचीत मत करो, यानी हम सभी के भाषा को सम्मान देते हैं, तो इसको हम कहेंगे बहुभाषिक कक्षा। ये राइट आंसर आपका दूसरा होगा। 17वां प्रश्न है, दोस्तों गाहित्मक कौशलों में शामिल है यानी जिससे हम किसी का विचार को ग्रहण करते हैं, दूसरे के बातचीत हमारे समझ में आता है, उसको कौन कौन सा है?
देखिए, सुनना बोलना, बोलना लिखना, सुनना पढ़ना, ये राइट आंसर होगा। जब कोई बोल रहा है तभी तो उसके विचारों को हम सुन करके समझ पाते हैं, उसके मन में क्या विचार है। यदि वह बोलेगा नहीं तो आप समझ पाएंगे नहीं, समझ पाएंगे उसकी आवाज़ से। वो जो बोलता है उसको सुन करके उसके विचारों को हम ग्रहण करते हैं, विचारों को समझ पाते हैं। तो एक ये होता है। दूसरा, मान लीजिए कोई संदेश लिख के चला गया, उसका विचार क्या है, वह आपको मान लीजिए अभी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, SMS कर दिया, WhatsApp में कुछ बातें लिख करके भेज दिया, उसको जब हम पढ़ लेते हैं तो उसका क्या विचार है हम समझते हैं कि नहीं। तो सुनना और पढ़ना ये दोनों ग्राह्यतम कौशलों में से एक है, ये दोनों कौशल राइट आंसर होगा। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं सुनना पढ़ना, सुनना बोलना, बोलना लिखना, पढ़ना और लिखना, यानी जिससे हम अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकते हैं, अपना विचार दूसरों तक, अपने विचार को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं बोलकर। मान लीजिए हमको किसी को कुछ कहना है तो हम बोलते हैं, वो सुनता है और मेरी बात को समझ जाता है। अथवा हम कुछ लिख देते हैं, लिख करके उसे दे देते हैं किसी भी माध्यम से, और वो पढ़ लेता है, पढ़ करके मेरे विचारों को समझ जाता है। तो ये दो राइट आंसर आपका होगा अभिव्यक्त। तीसरा, मूल्यांकन का प्रयोजन है। दोस्तों अब अंतिम प्रश्न की ओर हम लोग जा रहे हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एक बहुत मेहनत करके एक वीडियो बनाता हूँ, इसलिए यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा, मेरा मनोबल बढ़ेगा तो हम दुगुने उत्साह के साथ वीडियो बनाना चालू रखेंगे। इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को देखें, समझ में आता है, अच्छा लगता है। यदि आपका नॉलेज का कोई चीज़ आपको मिलता है, आपको लगता है कि ये मेरे लिए अच्छा हुआ, CTET के लिए अच्छा है, तो आप लाइक ज़रूर करेंगे। मूल्यांकन का प्रयोजन है बच्चों को डर के दबाव में अध्ययन के लिए प्रेरित करना। बच्चों को धीमी गति से सीखने वाले, होशियार, समस्यात्मक छात्र आदि वर्गों में विभाजित करना। बालक के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन करना। उन बच्चों को पहचानना जिन्हें उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है। तो ये राइट आंसर आपका होगा। हम उन बच्चों को पहचानते हैं जिन्हें उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होता है। यह मूल्यांकन के से संबंधित है, यह मूल्यांकन से ही यह पूरा होता है। भाषा का आकलन की प्रक्रिया है पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होती है, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, केवल बच्चों को निष्पादन जानने के लिए होती है, केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है। यहाँ पर दोस्तों भाषा का आकलन की प्रक्रिया सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, यह राइट आंसर आपका होगा। ये राइट आंसर आपका है कि भाषा का आकलन यानी पाठ के दौरान जब भी आप कुछ सिखा रहे हैं बच्चों को, चाहे आप गतिविधि करवा रहे हैं और भाषा शिक्षण, कोई कहानी पढ़ा रहे हैं, कविता पढ़ा रहे हैं, कुछ भी पढ़ा रहे हैं या कोई गतिविधि करवा रहे हैं, वहाँ पर भी आकलन की प्रक्रिया चलती रहती है। हम बच्चों का अवलोकन कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त हुई, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।